My dear colleagues, outgoing class 12 and 11th class, which has arranged a nice farewell to all of you. Actually, because of preponed of this CBSE exam, we are expecting that CBSE exam will begin from 1st of March, but it is preponed from 20th of February. So we had to conduct this farewell. All our planning was failed. So we had to arrange farewell. This is a nice memory in one's life. Whatever I had to say, most of the things has been said by either Joshi sir or Singh sir. दो तीन बातें बच्चे फिर भी मैं आपसे वापस कहना चाहूंगा. हो सकता है कि लाइट के कारण वो आप तक पहुंची नहीं है. यू हैव स्पेंट 12 इयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड द एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू गिव यू डिग्रीज. अभी सर ने यहां से जब बोला था कि आपको पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं होता, पीछे से एक आवाज आई नहीं सर होता है. बच्चे फिर मैं आपको एक बात दिखा देता बता देता हूं. पैसा बिस्तर खरीद सकता पर नींद नहीं खरीद सकता. पैसा आपके लिए कंफर्ट खरीद सकता पर रिश्ते नहीं खरीद सकता, मां बाप नहीं खरीद सकता. पैसा आपके लिए मर्सिडीज खरीद सकता है, जेट एयरप्लेन खरीद सकता है, पर वो आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता. मैं आपको इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे देता हूं कि भारत का जो मल्टी मिलियनर है अंबानी बंधु, उनमें से एक अनिल अंबानी है और उनका स्टेटमेंट है कि मुझे मैराथन दौड़ने में जितनी खुशी मिलती है उतनी प्राइवेट जेट में बैठने से नहीं मिलती. मैंने आपको शायद एक बार कभी असेंबली में यहां पर बोला था कि भारत के जो बिगेस्ट इन्वेस्टर थे राकेश झुंझुनवाला, बहुत बड़े इन्वेस्टर, मल्टी मिलियनर, बहुत पैसा कमाया उन्होंने शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद. उनका एक स्टेटमेंट था, हिज पुअरेस्ट इन्वेस्टमेंट वॉज इन हिज हेल्थ. अगर आपके पास हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका सारा पैसा कमाना बेकार है. आप कितने लोग ध्यान रखते हो कि मर्सिडीज में जा रहा है, ऑडी में जा रहा है, एरोप्लेन में चल रहा है, कौन किसको पूछता है? ये आपका सेटिस्फेक्शन है, दूसरों का सेटिस्फेक्शन नहीं है. और आपको कौन पूछेगा? बहुत फूल खेलते हैं जमन में, कौन किसको याद रखता है? जो खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी दे, जमाना उसको याद रखता. ये हार्ड बॉर्न यूनिवर्सल सर ने बोला था. आपके मां बाप को कभी आपके कारण नीचे ना देखना पड़े. दैट इज द मीनेस्ट थिंग दैट यू विल डू इन योर लाइफ. अगर आपके मां बाप आपके लिए कहीं पर क्षमा की मुद्रा में खड़े हैं तो इससे मीनेस्ट थिंग यू कैन नॉट डू इन द वर्ल्ड. आप सभी लोग इतने नाइसली ड्रेसअप होकर आए हैं, बहुत बढ़िया है. वन शुड ड्रेसअप प्रॉपरली, नाइसली, फाइन फिगर मेक फाइन बर्ड, बट दे कैन नॉट गिव यू क्वालिटीज. बहुत हम लोग बहुत अपने आप को समझते हैं कि यार हमने ये पहन लिया, ये हो गया, ठीक है, हो गया, बट नो वन केयर्स. जो लास्ट एम आपकी लाइफ का होना चाहिए, व्हाट एवर यू हैव अर्न फ्रॉम दिस सोसाइटी यू हैव टू गिव बैक. आपने इस समाज से जो सीखा है, आप कॉलेज एजुकेशन करके जब आप फील्ड में जाएंगे, इस लाइफ के जंगल, मैं बोलता हूं जिंदगी जंगल है, आप जब ये कॉलेज एजुकेशन पूरा करने के बाद जाएंगे ना, तो आपको पता पड़ेगा कि आपका फ्रेंड आपसे कितना कनिंग था, उसने आपको कितने फाइन कर्ज दिए. और ये फाइन कर्ज आपको जिंदगी में हर एक व्यक्ति देने की कोशिश करेगा, एक्सेप्ट योर मदर फादर एंड टीचर एंड दैट टू योर स्कूल टीचर. फाइन कट हर व्यक्ति देगा आपको. आप वेदर ही इज योर फ्रेंड, वेदर ही इज योर वाइफ, वेदर ही इज योर सन और एनीवन. Please remember this thing in mind. But it doesn't mean that you should not strive to do good. आपको वो काम करना है जिसमें आपको खुशी मिलती है. उस दिन
हमने एक लेक्चर अरेंज कराया था डॉक्टर होता का, वो उसी का अरेंज कर रहा है। मैं देखता हूँ कई सारे माँ बाप यहाँ पर आते हैं, दिस इज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। आई एम टीचर फॉर लास्ट 28 years आई एम टीचर, सिंस 1996 आई एम टीचिंग एंड आई हैव कम अक्रॉस मेनी टीचर, मेनी पेरेंट्स एंड मेनी स्टूडेंट्स। पीपल ट्राई टू मेक देयर करियर बाय स्पेंडिंग मनी। अभी भी आप लोगों ने कई सारों ने इतने लाखों रुपए खर्च किए हैं, रोज कोचिंग क्लास पे जाके बैठ रहे हैं, नो नॉट एट ऑल। अभी भी मैं आपको बता देता हूं, अभी भी आपका जो करियर है वो डिसाइडेड नहीं है। एक अच्छे इंसान अगर आप नहीं बन पाए, अभी यहां पर वो चल रहा था ना कभी डिस्को में जाए, अगर जिंदगी का एम डिस्को में जाना है तो यू आर अ फेलियर। अगर इश्क लड़ाना जिंदगी का एम है तो इट इज अ फेलियर। What is the aim of your life? Your aim of your life is to give back to the society what इतने से मेहताना कपड़ों को बहुत बड़ी बात नहीं। मजा तो जब है, खुशबू आपके किरदार से आए, आपके किरदार से खुशबू आनी चाहिए। एंड आई होप, मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग कभी इस स्कूल को नीचा देखने का मौका नहीं देंगे, ना अपने माँ बाप को ना इस विद्यालय को। जोशी सर ने कहा अभी भी बहुत टाइम है, आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं जिंदगी में, अपने माँ बाप के सपनों को उड़ान दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं, कोशिश करिए। एक रश्मि रथी सर बहुत पढ़ते हैं, उसका एक बहुत प्रसिद्ध स्टेंजा है जो मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगता है, और मैं आपको इस पेंजा के साथ अपनी बात ओवर करता हूं। हे कौन विघ्न ऐसा जग में, हे कौन विघ्न ऐसा जग में, ये पीछे दोनों बॉयस या आपके लिए भूल रहा हूं। हाँ, हे कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। ऐसे जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है, बाधा नहीं है जो आप नहीं पार कर सकते हो। हे कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता। अगर आप जोर लगाएंगे जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, अगर आप गिव अप कर देंगे जिंदगी में हर चीज मुश्किल है। And the greatest glory does not lie in never falling. It lies in getting up every time you fall. And I hope that you will get up whenever you will fall. And you will get up by using socially accepted means. अगर आप कहीं गिर गए हैं जिंदगी में, कभी भी मैं आपको फिर बता देता हूं कि जिंदगी में अभी भी ह्यूमन वैल्यूज की ही इंपॉर्टेंस है। If you don't follow human values, there is no importance of any person. So once again, I wish you all the best you will do. I wish all success. I wish all success from the side of my teachers, my rest of the school.